हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेवन जिसका नाम है विंडोज एक्सेसरीज और स्टूडेंट्स हम लोग इस यूनिट में पढ़ रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में और आज जो प्रोग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स उसका नाम है वर्ड पैड तो चलिए देखते हैं कि वर्ड पैड क्या होता है और किस तरह से इस पर हम लोग काम कर सकते हैं चलिए लेक्चर की तरफ जी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं विंडोज एक्सेसरीज के बारे में और इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि हम लोगों को हेल्प करते हैं रूटीन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स वो होते हैं विंडोज एक्सेसरीज में ठीक है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नोट पैड के बारे में आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड पैड तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर वर्ड पैड पर बेस्ड करता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड पैड होता क्या है स्टूडेंट्स वर्ड पैड है एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल वर्ड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप लोग कंप्यूटर पर अपना टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट की आप लोग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जैसे कि आप लोग उसका साइज चेंज कर सकते हैं उसके फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को मजीद एलेबोरेट करने के लिए उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग इसमें इजीली पैराग्राफ्स लिख सकते हैं एसेज और लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं नोट पैड में आप लोगों ने देखा होगा कि नोट पैड में हम लोग उस तरह से पैराग्राफ्स वगैरह को मैनेज नहीं कर पाते थे जिस तरह से हम लोग वर्ड पैड में करेंगे तो स्टूडेंट्स वर्ड पैड में हम लोग लिस्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि नोट पैड में पॉसिबल नहीं है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम वर्ड पैड को किस तरह से ओपन करते हैं ठीक है सबसे पहले अपने अपने कंप्यूटर्स को ऑन कर लें और मेरे साथ इसे ओपन करना शुरू करें सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे और प्रोग्राम्स में और प्रोग्राम्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहां से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना है एक्सेसरीज में और एक्सेसरीज को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है यहां से हम लोगों ने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है वर्ड पैड को ठीक है वाइट पैड को स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने ओपन कर लिया है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो विंडो आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स बेसिकली ये है एक तो students, एक है एक ठीक तो स्टूडेंट्स एक डॉक्यूमेंट है ब्लैंक डॉक्यूमेंट है आप लोग इसके ऊपर कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्ड पैड के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या हैं तो स्टूडेंट्स वर्ड पैड के बेसिक कॉम्पोनेंट्स में टाइटल बार आती है और उसके अलावा आता है स्क्रीन रिबन टाइटल बार समझ लेते हैं पहले क्या होती है जिस तरह से हम लोगों ने नोट पैड की टाइटल बार देखी थी स्टूडेंट्स सेम टाइटल बार होती है स्टूडेंट की भी टाइटल बार में आप लोगों को आपकी फाइल का टाइटल और आपके प्रोग्राम का टाइटल नजर आ रहा होता है और स्टूडेंट्स इस विंडो के राइट साइड पर देखिए तीन बटन आप लोगों को नजर आ रहे हैं मिनिमाइज करने के लिए रिस्टोर करने के लिए और इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए बटन नजर आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्रीन रिबन क्या होता है तो स्टूडेंट्स जरा टाइटल बार से नीचे देखिए जी टाइटल बार से नीचे जो आप लोगों को पोर्शन नजर आ रहा है जो कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हाईलाइटेड एरिया है इसे हम लोग कहते हैं रिबन रिबन में होते हैं टैब्स और ग्रुप्स तीन टैब्स हैं कौन कौन से टैब्स हैं फाइल टैब है और होम टैब है और उसके अलावा है एक व्यू टैब तो स्टूडेंट्स इन सब टैब्स के हो सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होम टैब खुला हुआ होगा और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पर होम टैब खुला हुआ है और उसके ग्रुप्स है ग्रुप्स देखिए कौन कौन से हैं क्लिप ग्रुप है आप लोगों को नजर आ रहा है फॉन्ट ग्रुप है फिर पैराग्राफ ग्रुप है और इनजाइट व्यू है और एक और ग्रुप है जिसका नाम है एडिटिंग ठीक तो है तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसी तरह से व्यू टैब के कुछ ग्रुप्स होंगे और इसी तरह से फाइल टैब्स की भी कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइल टैब क्या है और फाइल टैब में हम लोग किन किन एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ देखिए हम लोग अपने वॉटपेड के सबसे पहले टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइल टैब फाइल टैब खोलिए फाइल टैब में आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही हैं जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है न्यू ओपन सेव, सेव ये ऑप्शन नजर आ रही है ना स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स ये सारे काम हम लोग फाइल टैब में रहकर करेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्ड पैड में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो स्टूडेंट्स उसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखिए फाइल टैब में आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही है न्यू की ऑप्शन जिस तरह से हम लोगों ने नोट पैड में डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था सेम वही तरीका स्टूडेंट्स वर्ड पैड में भी हम उसी तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो इस न्यू बटन को जब हम लोगों ने क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अब एक ब्लैक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है वो है न्यू डॉक्यूमेंट ठीक है जो कि अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है इसके ऊपर आप लोग कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग टाइप कर लेते हैं वर्ड पैड इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ठीक है तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है वर्ड पैड इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल टैब में फाइल टैब में गए आप लोगों को ऑप्शंस नजर आ रही है न्यू ओपन और सेव की ऑप्शन नजर आ रही है स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसे करना है सेव तो हम लोगों ने कौन सी ऑप्शन को क्लिक करना है हम करेंगे सेव को क्लिक तो चलिए मेरे साथ कीजिए अब आप लोगों को स्टूडेंट्स एक नया डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें हम लोग देंगे इस फाइल का नाम और स्टूडेंट्स आप लोगों को बॉटम में नजर आ रहा होगा एक टेक्स्ट बॉक्स उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग इस फाइल के नाम को लिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या नाम लिखें इस फाइल का हम यहाँ लिख देते हैं माय डॉक्यूमेंट तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है माय डॉक्यूमेंट और अब मैंने इसे सेव करना है तो स्टूडेंट्स मुझे कौन सा बटन क्लिक करना पड़ेगा जी बॉटम में देखिए आप लोगों को दो बटन नजर आ रहे हैं कैंसिल और सेव का बटन तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम लोग क्लिक करेंगे सेव बटन को और अगर आप लोग सेव नहीं करना चाहते तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लिक करेंगे कैंसिल बटन को ठीक है तो चलिए सेव करके देखते हैं जी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने इसे कर लिया है सेव अब आप लोग देखिए अपनी टाइटल बार में देखिए स्टूडेंट्स जहां पर आप लोगों को पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा था स्टूडेंट्स अब वहां पर क्या लिखा हुआ है अब वहां पर लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट यानी कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट हो गया है सेव ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट को अपनी वर्ड पैट पर ओपन करते हैं जरा देखिए आप लोगों के पास ब्लैंक पेज ओपन है और हम लोगों ने पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ओपन करना है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइल टैब में जाएंगे चलिए मेरे साथ कीजिए जी फाइल टैब में आप लोगों को ऑप्शंस नजर आ रही हैं न्यू ओपन और सेव की ऑप्शंस नजर आ रही हैं ना तो स्टूडेंट्स से हम लोगों ने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमने सिलेक्ट करना है ओपन को हम लोगों ने यहाँ से ओपन को जब सिलेक्ट किया तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक नई विंडो अपीयर हो गई है जिसमें आप लोगों को नजर आ रही है आपके कंप्यूटर में सेव्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स तो स्टूडेंट्स मैं यहां से किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहूंगी तो मैं उस डॉक्यूमेंट को क्लिक करूंगी अभी अभी हम लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट सेव किया है हम लोगों ने सेव किया था माय डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस फाइल को ओपन करना है कीजिए मेरे साथ तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने इसे सिलेक्ट किया अब हम लोगों ने क्या करना है दो बटन आप लोगों को नजर आ रहे हैं ओपन या फिर कैंसिल का बटन अगर स्टूडेंट्स आप लोग इस डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं करना चाहते तो हम लोग क्लिक करेंगे कैंसिल को और अगर आप लोग इसे ओपन करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे ओपन बटन को तो स्टूडेंट्स मैं ओपन बटन को क्लिक कर रही हूँ जी अब आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जगह पुराना डॉक्यूमेंट जो कि हम लोगों ने सेव किया था वो अपियर हो रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है वर्ड पैड इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम यही तो लिखा था हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट पे हमने यही टाइप किया था ना स्टूडेंट्स जी तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले से सेफ डॉक्यूमेंट को ओपन करके भी देख लिया है अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर फाइल मेन्यू में जाएंगे जी फाइल मेन्यू में स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है प्रिंट का बटन ठीक है इसे क्लिक कीजिए अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक नई विंडो आ गई है यानी कि ये है प्रिंट की विंडो और इसमें आप लोगों को प्रिंटिंग से रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शन है वो यहां मिलेंगी, अब हमने करना क्या है हम लोग अपनी नंबर ऑफ कॉपीज पर देंगे जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक ही कॉपी इस डॉक्यूमेंट की प्रिंट करना चाहती हूं तो स्टूडेंट्स में यहाँ पर वन लिखा रहने दूंगी और अगर आप लोग स्टूडेंट्स पेज रेंज को चेंज करना चाहते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा पेजेस पर बेस करता है तो हम लोग उसके हिसाब से अगर आप लोग सारे के सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग ऑल को सिलेक्ट करेंगे अगर आप लोग सिर्फ करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग करंट पेज को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप लोग सिलेक्टिव पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो भी पॉसिबल है ठीक है अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले आप लोगों ने करना है अप्लाई ठीक है ये सारी जो भी वर्किंग की है आप लोगों ने प्रिंटिंग की जो भी आप लोगों ने कमांड्स दी है उनको हम सब पहले उनको हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे और जब ये कमांड्स अप्लाई हो जाएंगी तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग प्रिंट की कमांड देंगे प्रिंट की कमांड देने के लिए हम लोग यूज करेंगे बटन कौन सा प्रिंट बटन यूज करेंगे चलिए मेरे साथ कीजिए तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने इस प्रिंट बटन को सिलेक्ट किया तो आप लोग देखेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर आपके प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है तो आपके प्रिंटर से आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट पेजेस पर प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग वर्ड पैड को एग्जिट करेंगे चलिए मेरे साथ देखिए वर्ड पैड को एग्जिट करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं एक तरीका तो हमें पता है किसी भी विंडो को क्लोज करने का क्या होता है टाइटल बार में मौजूद क्रॉस के बटन को जो कि होता है क्लोज बटन स्टूडेंट्स हम लोग उसे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स उसके जरिए भी आप लोग वर्ड पैड से एग्जिट कर सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स एक और तरीका है आप लोग जाएंगे फाइल टैब में जब हम लोगों ने क्लिक किया फाइल टैब को तो आप लोगों को जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स इन में से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है एग्जिट ऑप्शन को जब हम लोगों ने इस एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया है ठीक है तो स्टूडेंट्स ये तरीका था इसे एग्जिट करने का आज हम लोगों ने देखा था कि फाइल टैब को आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों को मिलती हैं हमने देखा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसके अलावा हमने उस डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग की उसे हम लोगों ने सेव किया और उसे दोबारा से ओपन करके भी देखा और स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग इसके प्रिंट्स ले सकते हैं और किस तरह से आप लोग नोट को एग्जिट करते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि फाइल टैब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा बाकी के टैब्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़